हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूँ पीएचपी वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। हम देखेंगे कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है और हम उन्हें अपने कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है। दोस्तों, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी में जिनको हम पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर से, किसी भी क्लास के अंदर से, यहाँ तक कि हम दूसरे पीएचपी फाइल के अंदर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं पीएचपी में। दोस्तों, पीएचपी में 9 तरीके के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो इधर पे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स डिस्कस करूँगा, वो है ग्लोबल्स और दूसरा है सर्वर। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को हम नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह लिखते हैं, डॉलर साइन यूज़ करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस ये है, जब हम नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे या यूज़ कर रहे थे तो हम स्मॉल लेटर्स में भी उनका नेम रख सकते थे, लेकिन जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का नेम है वो कांस्टेंट है, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये केस सेंसिटिव भी है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर ग्लोबल्स को स्मॉल में लिखूँगा तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ग्लोबल्स, उसके बारे में देखते हैं। जब भी हम पीएचपी में कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पीएचपी क्या करता है, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को एक ही एरे के अंदर स्टोर कर देता है, और वही एरे ये ग्लोबल्स जो सुपर वेरिएबल है वो है। तो एक तरीके से ये जो वेरिएबल है टाइप एरे का है, क्योंकि इसमें जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं एरे के फॉर्म में। और अगर हम कोई भी वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ग्लोबल्स जो एरे हैं उससे एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे? दोस्तों, जब भी हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते थे तो हम क्या करते थे, एरे का नाम लिखते थे, उसके बाद हम जो इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं जिसका वैल्यू हमें एक्सेस करना है। तो वैसे ही हमें जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें भी हमको इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस भी ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, और अगर हम एक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक्स को एज एन इंडेक्स पास करना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि ये जो ग्लोबल्स वेरिएबल है वो सारे ग्लोबल वेरिएबल को अपने अंदर स्टोर रखेगा, तो हमें से बस इंडेक्स प्रोवाइड करना है और हमारा जो एक्स वेरिएबल है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो ग्लोबल्स वेरिएबल है वो एसोसिएटिव एरे है, क्योंकि जो टाइप है वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है जो हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे वो। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं एक एग्जाम्पल के यूज़ से कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ताकि हमारा टाइम ज़रा बर्बाद ना हो। ये एक बेसिक एग्जांपल है तो मैं ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट किया है, दोनों ही ग्लोबल वेरिएबल हैं क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है। एक्स में हमने वैल्यू असाइन किया 75 और वाई में असाइन किया 25। फिर हमने एक नीचे फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन का नाम रखा हमने एडिशन। ये फंक्शन क्या करता है, इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करता है, मतलब इनके जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करता है। अब आपको याद होगा जब भी हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते थे तो हम क्या लिखते थे, ग्लोबल्स कीवर्ड का यूज़ करते थे ऐसे करके, उसके बाद हम एक्स लिखते थे अगर हमको एक्स को एक्सेस करना है, तभी हम एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अगर हम नहीं लिखेंगे ग्लोबल को तो हम एक्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तब पर, भले ही ग्लोबल वेरिएबल क्यों ना हो। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन है, कैसे, इसको अगर मैं नहीं भी लिखता हूं, तब भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो है दोस्तों ग्लोबल्स सुपर वेरिएबल का यूज़ करके। क्योंकि हमें इधर पे x को एसेस करना है तो हम इधर पे x जो इंडेक्स है उसको हम x प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही अगर हमको y को एसेस करना है इस y वेरिएबल को, तो हम जो ग्लोबल एरे है उसको हमको इधर पे जो इंडेक्स है वो y प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा ये जो y वेरिएबल है हम उसको एसेस कर पाएंगे। हमने इधर पे क्या किया, x को y से प्लस किया, फिर हमने और एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जो है z। भले हमने z को अभी तक क्रिएट नहीं किया है लेकिन इसका यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने, जैसे हम एरे में नया इंडेक्स ऐड करने के लिए क्या करते थे, हम इंडेक्स का नंबर लिखते थे, ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स ऐड हो जाता था, वैसे ही हम इधर पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे एज एन इंडेक्स और ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो हमने एक्स में इसका रिजल्ट प्लस करके स्टोर कर दिया, और अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं इधर पे, तो ये फंक्शन रन हो जाएगा और हमारा जो जेड है वो क्रिएट हो जाएगा और जो इसका वैल्यू होगा वो एक्स प्लस वाई होगा। और जब भी हम जेड को एको करेंगे तो हमारा जो है वैल्यू
वो आउटपुट होगा 75 प्लस 25 इक्वल 100। तो चलिए ब्राउजर में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो 100 हमारा आउटपुट हो गया। तो एक तरीके से ये वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको बार बार इधर पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते थे। डायरेक्टली वेरिएबल को क्रिएट भी कर सकते हैं ऐसे करके, जैसा इधर पर देख सकते हो। तो इसको कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हम अगली जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमें अभी नहीं चाहिए, इसको ऐसे करके सेव कर देते हैं। दोस्तों अगला जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहते हैं सर्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है दोस्तों, क्योंकि इसका यूज़ करके हम सर्वर के, जो हमारा सर्वर होगा उसके बारे में हम डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, और जो हम करेंटली स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं सर्वर में वो कौन सा स्क्रिप्ट है। तो बहुत तरीके के हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने सर्वर के रिगार्डिंग इस वेरिएबल का यूज़ करके। तो ये वेरिएबल भी एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स सर्वर का इन्फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी इधर पे दोस्तों इधर पे एग्जांपल क्रिएट करके रखा है, अलग अलग जो हम तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही कहा था ये सर्वर वेरिएबल जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल वो भी एक टाइप एरे का है, और इसमें हम जो वैल्यू सर्वर का एक्सेस करना चाहते हैं एज एन की हम इधर पास करना है। अगर हम पीएचपी सेल्फ इधर पे पास करते हैं तो हमारा जो करंट स्क्रिप्ट है उसका नेम हमें रिटर्न करेगा। वैसे ही अगर इधर पे हम सर्वर नेम पास करते हैं, मान लीजिए इंडेक्स, तो हमारा जो सर्वर का जो नेम है वो हमें रिटर्न करेगा, इस केस में लोकल होस्ट। अगर आपका सर्वर आपने ऑनलाइन करके रखा है तो ये डोमेन होगा www.something.com ऐसा करके। सिमिलरली दोस्तों ये HTTP अगर रेफरल हम पास करते हैं एज ए की, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि कौन से PHP स्क्रिप्ट से हमने इस PHP स्क्रिप्ट में आए हैं। सिमिलरली दोस्तों हम और भी कीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे HTTP यूज़र एजेंट और स्क्रिप्ट नेम। स्क्रिप्ट नेम हमें जो करेंटली हमारा स्क्रिप्ट जो हम रन कर रहे हैं उसका हमें नेम प्रोवाइड करेगा या एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं इसका ब्राउज़र में आउटपुट करके वैल्यूज़ क्या ये आउटपुट करता है, क्योंकि हमने एको यूज़ किया तो ब्राउज़र में आउटपुट होगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, और जैसा आप देख रहे हो इसको मैं साइड बाय साइड लेता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाऊँ वैल्यूज़। सबसे पहले तो हमें जो PHP सेल्फ हमने इंडेक्स पास किया उसका वैल्यू जो है इस एरे के अंदर, सर्वर एरे के अंदर, वो क्या है, जो हमारा करंट जो PHP स्क्रिप्ट है उसका एड्रेस जो है PHP सीरीज 35, और क्योंकि इंडेक्स डॉट PHP है इसलिए इंडेक्स डॉट PHP जैसा आप देख रहे हो इधर पे आ रहा है। वैसे ही सिमिलरली जो सर्वर नेम है इस केस में हमारा वो है लोकल होस्ट, क्योंकि हम इसको लोकली रन कर रहे हैं और हमारा कोई डोमेन है नहीं अभी। लेकिन अगर आपके केस में डोमेन है तो आपको इधर पे डोमेन शो होगा, जैसे www.example.com ऐसा टाइप का डोमेन शो होगा। फिर अगर हम HTTP रेफरर का यूज़ करेंगे तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट होगा वो ये, अभी फिलहाल आउटपुट नहीं हो रहा है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम डायरेक्टली इस पेज में आए हैं, ना कि कोई दूसरे पेज के रेफर करके आए इधर पे। वो मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर समझा लूँगा क्या है। अगली वर्ड बढ़ते हैं, अगला है HTTP यूज़र एजेंट। ये भी एक तरीके का सर्वर इन्फॉर्मेशन ही है, जैसा आप इधर भी देख सकते हो ये सारा इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, ये लाइन हमारा ब्राउज़र शो कर रहा है, ये अलग अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। उसके बाद जो आखिरी है वो है स्क्रिप्ट नेम। जैसे मैंने आपको कहा था स्क्रिप्ट नेम असल में हमें क्या रिटर्न करेगा, जिस स्क्रिप्ट में हम करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं या हम जो स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। अभी इस केस में होगा हमारा index.php मतलब PHP सीरीज 35 फोल्डर के अंदर, जैसा आप इधर भी देख सकते हो ये हमारा आउटपुट हो गया। अभी मैं आपको ये चीज़ तो जैसा आप देख सकते हो हमारा आउटपुट हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ शो करना चाहूँगा, ये जो HTTP रेफर है उसके बारे में। अभी तो फिलहाल ये अनडिफाइंड इंडेक्स बता रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली इस पेज में आए हैं ना कि कोई दूसरे पेज के रेफर करके आए हैं। इसको हमें देखने के लिए एक दूसरा पेज मैंने क्रिएट करके रखा है जो है another.php। another.php में दोस्तों मैंने सिंपल एक एंकर टैग इंक्लूड किया है जिसको मैंने href प्रोवाइड किया है index.php जो हमारा ये वाला फाइल है। अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में अभी another.php और इसको एंटर करते हैं, और अगर हम क्लिक पे जैसे हम क्लिक करेंगे हम चले जाएंगे अपने index.php में। तो चलिए देखते हैं, जैसा आप देख सकते हो इस बार हमारा अनडिफाइंड इंडेक्स एरर नहीं बता रहा है। तो इस बार हमारा जो HTTP रेफरर है वो है हमारा another.php पेज जो ये है, जैसा आप देख सकते हो HTTP जो बता रहा है एड्रेस, पूरा एड्रेस बताया हमको हम कौन से पेज से इधर पे आए हैं। हम another.php का यूज़ करके इधर पे आए हैं तो हमारा जो HTTP रेफरर है वो ये है another.php। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये सर्वर वेरिएबल भी एक तरीके का एरे है जो हमारे सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है अपने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में जब विजिट करते हो आप, तो वो वेबसाइट क्या करते हैं, आपके जो आईपी एड्रेस है उसको स्टोर रख लेते हैं अपने डाटाबेस में। तो वो कैसे उन लोग को पता लगता है आपके आईपी एड्रेस, वो इस वेरिएबल का यूज़ करके उन लोग को पता लगता है। सिमिलरली आप जब भी कोई भी वेबसाइट पे जाते हो और कोई वेबसाइट पे कोई भी साइन अप फॉर्म फिलअप करते हो, और जैसे साइन अप फॉर्म आपका फिलअप कंप्लीट हो जाता है, फिर दोबारा आप वही पेज पे रिटर्न आ जाते हो जहाँ से आपने साइन अप फॉर्म को फिलअप किया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक यूज़र है जो अनदर डॉट पी एच पी फाइल में है, और उसने क्लिक बटन क्लिक करके एक फॉर्म फिलअप करना चाहा, मान लीजिए साइन अप फॉर्म है। जैसे उसने बटन को क्लिक किया तो वो इस पेज में आ गया, और मान लीजिए इस केस में ये साइन अप फॉर्म है। एक बार उसने साइन अप फॉर्म फिलअप कर लिया तो हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो वापस से जो इनिशियल पेज वो व्यू कर रहा था उसमें रिडायरेक्ट हो जाए। तो वैसे तरीके की चीज़ करने के लिए भी हम सर्वर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वो कैसे, जैसे मैं क्लिक पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, तब हमारा जो HTTP रेफरर है हम ग्रैब कर सकते हैं कि हम कौन से पेज से इस पेज में आए हैं। तब वापस से जैसे ही हम फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एड्रेस पे हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम HTTP जो रेफरर है उससे हमने जो इनिशियल एड्रेस जिससे हम आए हैं इस पेज में उसको हमने ग्रैब कर लिया। तो हम वापस रेफर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और वापस एक बार फॉर्म फिलअप हो जाए तो यूज़र ऑटोमेटिकली इनिशियल पेज में आ जाएगा जिससे उसने फॉर्म को फिलअप किया था या फॉर्म फिलअप बटन पर क्लिक किया था। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे कि यूज़र का इन्फॉर्मेशन फॉर से आईपी एड्रेस ग्रैब करने के लिए, और ऐसे तरीके के चीज़ें करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।